हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास फर्स्ट का चैप्टर आफ्टर अ बाथ। ये एक पोयम है। इसमें ये एक बच्चा है, बता रहा है कि वह स्नान करने के बाद क्या क्या करता है। चलिए पोयम को पढ़ते हैं। आफ्टर माय बाथ आई ट्राई टू वाइप माय सेल्फ टिल आई एम ड्राई। आफ्टर मीन्स बाद में, बाथ मीन्स नहाना, ट्राई मीन्स कोशिश करता है, प्रयास करता है, वाइप मीन्स पोछना, माई सेल्फ मीन्स खुद को, स्वयं को, ड्राई मीन्स सूखा। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि बच्चा बोल रहा है कि नहाने के बाद में अपने आप को सुखाने के लिए, सुखाने की जब तक कोशिश करता हूँ, जब तक कि मैं सूख ना जाऊँ। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। ठीक है, टो मीन्स पैर की उंगलियाँ और लेग्स मीन्स पैर, फिंगर्स मीन्स उंगलियाँ हाथों की, शाइनी मीन्स चमकदार। अब क्या बोल रहा है बच्चा कि मैं अपने भीगे हाथ, पैरों की उंगलियों को, दोनों भीगे हुए पैरों को और चमकदार नाक को पोछता हूँ। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक। अब ये बोल रहा है कि जरा सोचो इन सब कामों के लिए मुझे कितना समय लगता है। यदि मैं कुत्ता होता तो अपने शरीर को झटक लेता और शरीर सूख जाता। जो डॉगी होते हैं वो इस तरह से अपनी बॉडी को हिला लेते हैं ना जोर से। तो बच्चा बोल रहा है अगर मैं डॉग होता तो इस तरह से अपनी बॉडी को झटक लेता तो मैं जल्दी से सूख जाता। ठीक है, चलिए पोयम को एक बार फिर से रीड करते हैं। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड ए शाइनी नोज। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। HOW, हाउ मीन्स कैसे। MET, मेट मीन्स मिला। TRY, ट्राई मीन्स प्रयास करना। TWO, मीन्स दो। यहाँ पर इस पोयम फिनिश हो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।